शादी समारोह में मेहमान बनकर पार कर देता था जेवरात, कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है शातिर। झारखंड के धनबाद में पुलिस ने ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंचता था और मौका देख जेवरात नकदी वाले सामान लेकर फरार हो जाता था। पुलिस ने उसके पास से नकदी वाले चीजें बरामद की है। झारखंड के धनबाद में शादी समारोह में मेहमान बनकर जेवरात व नकदी पार किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शादियों में मेहमान बनकर शरीक होता था और मौका मिलते ही गहने व नकदी लेकर फरार हो जाता था। आरोपी के पास से सामान के साथ ही 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि अक्सर लोग शादियों में व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें घर में पड़े कीमती सामान रुपए की सुरक्षा का ख्याल नहीं रहता है। ऐसे ही माहौल के बीच ये आरोपी कीमती सामान पार कर देता था। धनबाद पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच पड़ताल की और आरोपी को पकड़ लिया। सिंदरी DSP अभिषेक कुमार ने कहा कि 10 दिसंबर 2022 को डिगवाडी स्थित गेस्ट हाउस में गोपाल दुसाद के पुत्र चंदन कुमार पासवान की शादी की रिसेप्शन था। इस दौरान शादी का जेवर, नकदी, मोबाइल और अतिथियों द्वारा दिए गए गिफ्ट रखे थे जो गायब हो गए। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई भी सामान नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद अब बलियापुर थाना की डंका माटी के रहने वाले सूरज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज की निशानदेही पर चुराए गए जेवरात, नकदी, मोबाइल व गिफ्ट का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मोबाइल, जेवरात व 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि सूरज कुमार शातिर अपराधी है। 3 फरवरी 2023 को भी सामुदायिक भवन डंका टाड़ में रिसेप्शन के दौरान उसने नकदी व मोबाइल चुराया था, वह भी बरामद कर लिया गया है। उसी दिन रेलवे अधिकारी विश्राम गृह में रिसेप्शन पार्टी से पैसा का लिफाफा, ज्वेलरी व मोबाइल चोरी किया था। पुलिस ने वह सामान भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा 8 फरवरी को रात में PWD डिवीजन बिल्डिंग मैरिज हॉल में रिसेप्शन में भी चोरी की थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंचता था और मौका पाते ही सारा सामान पार कर देता था। जोरापोखर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।